it is clear what are statutory corporations which come into existence by passing a special act in the parliament. Yesterday we had discussed the features of statutory corporation. Today we'll be analyzing these enterprises. That is, we will be discussing their merits and demerits. The first merit, but they enjoy independence in the functioning. There is a high degree of flexibility in these enterprises. ये अपनी functioning में independence enjoy करती हैं. Like I gave you an example yesterday, when your parents are giving you pocket money, they have every right to ask, बेटे कहाँ पे खर्च दिया, इतना extravagant नहीं हो, इसको संभाल के रखो, ठीक है? They have every right to ask. But tomorrow, when you start earning your own income, they will not be interfering. Because now you have become independent, आप उनसे पैसे नहीं ले रहे हो, you can spend it anywhere you like. Same is the case with statutory corporations and departmental undertakings. Departmental undertakings की funding कौन करता है? Government करती है, अपनी treasury से करती है. ठीक है, अपने बजट में से कुछ पार्ट अप्रोप्रिएट करके इन एंटरप्राइजेस को देती है. दैट्स वाई गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन देयर फंक्शनिंग. गवर्नमेंट हैज एवरी राइट टू आस्क, कहीं उसके फंड्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा. ठीक है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को फंड कौन करता है? दे आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड. सो दैट्स वाई दे आर इंडिपेंडेंट बॉडीज. गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फंक्शनिंग. And because they are not headed by the government, you know, civil servants or bureaucrats, so or ministers, they enjoy a certain degree of flexibility. So this is the merit. अगर आपको business करना है बेटे, तो flexibility होनी चाहिए. Especially आज के time पे, जब जहाँ पे daily there are some changes coming up, तो अगर हमने कोई decision 10 महीने पहले या 10 दिन पहले भी लिया था, so we might need to change it immediately. Lekin departmental undertakings mein koi bhi decision lena hai to aapko levels cross karne padte hain. Statutory corporation mein aisa nahi hai. That is, they enjoy operational flexibility. So this is their merit. Next bete, since the funds of these organizations do not come from the central budget, the government does not interfere in their financial matters. गवर्नमेंट इनके फाइनेंशियल मैटर्स में भी इंटरफेयर नहीं करती है. कितना कहां से उनकी कहां कहां वो पे कर रहे हैं, कहां पे खर्चा कर रहे हैं, कहां से उनकी इनकम आ रही है, ठीक है, कहां से वो फंड्स अरेंज करें, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर. राइट, नेक्स्ट, सिंस दीज आर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स within the powers assigned to them by the act. बेटे बिल्कुल लगता है कि ऐसा थोड़ी ना, मैं बताती हूँ. पहली बात, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है, लेकिन ये इनको चलना किसके अकॉर्डिंग पड़ता है? जो एक्ट में डिफाइंड है, ठीक है. दे कांट क्रॉस देयर पावर्स विच आर बियॉन्ड इन गिवन इन दी एक्ट. अगर LIC एक्ट में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती हैं, तो वो जनरल इंश्योरेंस में एंटर नहीं कर सकती. तो दे हैव सर्टन पावर्स प्रिविलेजेस एंड दे हैव टू रिमेन विद इन दोज पावर्स एज गिवन इन दी इन देयर रिस्पेक्टिव एक्ट. सेकेंडली बेटे, एक्ट में हो सकता है कुछ ऐसे मैटर्स लिखे गए हो जिसमें लिखा गया हो कि हाँ, अगर ये मैटर आ रहा है इस एंटरप्राइज को, इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेनी है, तो इसको पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा. गॉट इट? ऐसा नहीं है कि हमने उनको फ्री बर्ड छोड़ दिया है. दे आर नॉट, है तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ना, तो गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ कंट्रोल तो होना चाहिए ना. तो गवर्नमेंट का कंट्रोल किस तरह से है? एक्ट में. पहली बात, एक्ट में गवर्नमेंट ने जो जो गवर्नमेंट चाहती है, इसके पास पावर हो, वो गवर्नमेंट एक्ट में दे रही है. अगर गवर्नमेंट चाहती है इनके पास कोई पावर ना हो, तो वो एक्ट में वो पावर नहीं देगी. स्पेशली वहां पे लिख देगी कि मैटर्स रिलेटेड टू दीज वुड रिक्वायर
अ सैंक्शन फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री। ठीक है, जैसे हमने कहा अच्छा ठीक है आप स्कूल आ गए हो जो मर्जी करो, लेकिन साथ में आपको बोल दिया कि ये 5 पीरियड भी लगाने हैं। जैसे आप कॉलेज में हो जाओगे यू विल बी फ्री बर्ड, आपको लगता है ना जल्दी जल्दी कॉलेज जाए, हमें वहां पे इंडिपेंडेंस है, पीरियड भी बंक कर सकते हैं, कहीं पर जा भी के बैठ भी सकते हैं, छुट्टियां भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको लगता है फ्लेक्सिबिलिटी है। तो कॉलेज में आप जाओगे ना वो आपको कहेंगे ठीक है बंक करना है, ऐसा टीचर कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वहां पे एक रूल होगा कि अगर आपकी अटेंडेंस 80% से कम है तो आपको रोल नंबर नहीं दिया जाएगा फाइनल। आगे ना रिस्ट्रिक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, छुट्टी कभी कभी ले भी सकते हो, लेकिन माइंड में ये भी है कि 80% अटेंडेंस कंप्लीट करना जरूरी है। सेम इज द केस विद दीज एंटरप्राइजेस, हैं तो गवर्नमेंट के अंदर ना, तो गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। ठीक है, देन अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। बेटे नॉर्मली जो पब्लिक सेक्टर है ना दैट फोकसेस ऑन द सोशल वेलफेयर, लेकिन हमने जब पब्लिक सेक्टर, जब हमने इंडिपेंडेंस मिली हमें, हमने अपनी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया, राइट, हमने कहा प्राइवेट सेक्टर भी होगा पब्लिक सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर को हमने वो इंडस्ट्रीज दी सेटअप करने के लिए जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। गवर्नमेंट ने अपने पास वो इंडस्ट्रीज रखी जो कि प्राइवेट सेक्टर सेटअप नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और हो सकता है वहां से प्रॉफिट भी ना मिले, लेकिन ये इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेस बनती हैं। जैसे आयरन एंड स्टील से क्या क्या बनता है? मशीनरी बनती है। लेट अस से हमारी कंट्री में आयरन एंड स्टील की कोई कंपनी नहीं है, तो हमें आयरन एंड स्टील क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट मशीनरी बनाने के लिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ड्यूटी लगेगी उसके ऊपर। तो अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं है तो मशीनरी बनाने की इंडस्ट्री भी नहीं होगी हमारी कंट्री में। मशीनरी बनाने की इंडस्ट्री नहीं होगी तो हम गुड्स कैसे बनाएंगे? हमें मशीन्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री भी बनेगी। इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्री मींस मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री, वो बनेगी। आगे फर्दर कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाएगी तो हमारी कंट्री डेवलप करती जाए। ठीक है, तो ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं बेसिकली दीज आर वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनसे इकोनॉमी डेवलप कर सकती है। कैसे कर सकती है? एक, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब आप बोलोगे मैम डिपार्टमेंटल में भी तो गवर्नमेंट का कंट्रोल था ना, लेकिन उसमें क्या ड्रॉबैक था? उनमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो कोई भी इनिशिएटिव खुद नहीं ले सकते थे। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है और ये एंटरप्राइजेस प्राइवेट इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, सो विच मींस दे बिकम अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? एनीवन? पूरव, क्या मतलब दे आर दी वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ओके, एनीवन एल्स? इट वुड फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी कब डेवलप करती? पूरव इज वेरी मच राइट, जब हमारी इनकम बढ़ेगी मतलब हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, ही इज ऑल्सो राइट। ठीक है, जब हमारी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाएगी, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपके पीछे कोई फोर्स है, आपके पेरेंट्स का फोर्स है, आपके फ्रेंड्स का फोर्स है, आपके भाइयों का फोर्स है, बहनों का फोर्स है, आपके टीचर्स का फोर्स है, आपके स्कूल का फोर्स है या नहीं? ऑल दीज फैसिलिटेट यू टूवर्ड्स योर प्रोग्रेस इन लाइफ।
कल को अगर आप कुछ बनते हो और आपसे कुछ पूछता है आप किसको क्रेडिट दोगे, तो आपके माइंड में काफी लोग आएंगे, आएंगे या नहीं, जिनसे आप इंस्पायर हुए, जिन्होंने आपको हेल्प किया। इसी तरह से हमारी कंट्री जब डेवलप हो रही है बेटे, उसके पीछे किसका हाथ है? बहुत सारे फोर्सेस का हाथ है, उसमें से वन ऑफ देम इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। इट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ अवर इकोनॉमी, रीजन बीइंग दे हैव द पावर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज दे कांट डू एनीथिंग रॉन्ग विद द पीपल। Secondly, they can take initiative, that is they can earn more surpluses by making use of opportunities. Got it? Okay. Next, बेटे इसकी limitations भी discuss कर लेते हैं. In a reality, वो कहता है जो statutory corporations हैं, they do not enjoy as much operational flexibility as we are stating above. All the actions are subject to many rules and regulations. बेटे theoretically हमने कह दिया कि ये act के under होती हैं, ठीक है, और act के act में जितने भी powers हैं, functions हैं, activities हैं, वो undertake कर सकती हैं. So theoretically it sounds yes, they enjoy freedom, but practically it is not so. Practically इनके ऊपर काफी जो है गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो एक तरह से जो हमारी मेरिट हमने ऊपर डिस्कस की थी वो ऑफसेट हो गई। ओके, नेक्स्ट बेटे, गवर्नमेंट एंड जस्ट वेट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस or where huge funds are involved. Like I told you yesterday only, ke jo LIC hai, ye apna IPO nikal rahi hai, initial public offer, yani ye apne shares logon ko bech rahi hai, public ho rahi hai ye. Abhi tak wo government mein thi na, to ye funds generate karne ke liye apne shares logon ko issue kar rahi hai. To ye jo itna major decision hai, kya lagta hai aapko LIC ne on their own le liya? It must have gone through many meetings with the government officials to take this decision. Government ke yes kiye bina, especially jahan par huge funds ki involvement hoti hai, wahan par government statutory corporations mein interfere karti hai. Hai to bete public enterprise hi na, hai na? Hai to government ke under hi, to government ka control rahega hi rahega. Third, demerit, where there is dealing with the public, rampant corruption exists. How many of you are aware of the fact ke India mein corruption bahut zyada hai? How many of you are aware? Raise your hands. Rest of you are not aware? Hai corruption? Okay, aapke according corruption private sector mein zyada hai ki government sector mein zyada hai? गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे एंटरप्राइजेस होते हैं, एक जिसमें पब्लिक की डायरेक्ट डीलिंग होती है, दूसरी जिसमें पब्लिक ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। आपको क्या लगता है करप्शन कहाँ पे ज्यादा होगी? जहां पे पब्लिक डीलिंग ज्यादा है। तो सेम इज द केस विद स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, वो कॉर्पोरेशंस, वो वाली स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जिनमें पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, वहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है। गॉट इट? सो दिस इज अगेन द लिमिटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। नेक्स्ट बेटे, द गवर्नमेंट हैज द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बोर्ड। गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, जैसे LIC है, RBI है, गवर्नमेंट अपने एडवाइजर्स अपॉइंट कर देती है टाइम टू टाइम, ये देखने के लिए कि कुछ यहाँ पे गलत तो नहीं हो रहा, ठीक है। लेटर से मेरे को डिप्यूट करके गवर्नमेंट ने LIC में भेज दिया। जब मुझे डिप्यूट करके भेजा, मेरे को गवर्नमेंट ने ये कहा कि एज एन एडवाइजर आप जाओ, ठीक है, आप देखो कि इनकी पॉलिसीज गलत तो नहीं है, ये लॉस में जा रहा है या इनके प्रॉफिट्स कम है, आप जाके इनको फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर एडवाइस दो। आप में से किसी को भेज दिया या मेरे को भेज दिया, मतलब किसी भी पर्सन को एज एन एडवाइजर जाके भेजा जाएगा, वो उसकी टेंडेंसी क्या होगी,
वो उनकी पुरानी पॉलिसीज को गलत ठहराएगा या नहीं? अरे ये क्या किया हुआ है, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना, इस तरह से फंड्स जनरेट करो, ये वाला सारा सिस्टम चेंज कर दो, इसको ऐसे करो, नेचुरली वो एडवाइस देगा। इससे क्या होगा बेटे, इससे जो कॉर्पोरेशंस हैं इनकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। अर्लियर देयर वर यूज्ड टू डूइंग थिंग्स विद देयर ओन मींस, नाउ इम्प्रूवमेंट होगी, या कैसे भी होगी, एडवाइजर अपॉइंट किया ना तो उसे क्या होगा, उससे सब कुछ अप्रूव कराना पड़ेगा आपको, तो आपकी अपनी फ्रीडम खत्म होगी। नोबडी एंजॉयज दिस, इजंट इट? आपके फादर का बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है, कितने सालों से एक्सपैंड करना चाहते थे, तो उनके फ्रेंड ने कहा चल तू मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, उन आपको लगा अच्छा है चलो पैसे आगे एक्सपैंड करेंगे सब कुछ ऐसा होगा, लेकिन जब वो पार्टनर बन गया उसने हर पॉलिसी में नुक्स निकालने शुरू कर दिए। ऐसे थोड़ी ना चलता है बिजनेस, ऐसे थोड़ी ना करना है, ये वाला कस्टमर बनाओ, इसको हमने नहीं क्रेडिट देना, ये पॉलिसी गलत है, वो पॉलिसी गलत है, यू वुड फील बैड और नॉट, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। सो समटाइम्स गवर्नमेंट अपॉइंट्स एडवाइजर्स टू दीज बॉडीज विच कर्ब द फ्रीडम ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। चलो ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ एंटरप्राइज इन पब्लिक सेक्टर, एंड इट इज गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट वॉज, यस बेटे, फर्स्ट वॉज डिपार्टमेंटल एंटिटी, सेकेंड वॉज, थर्ड वन इज, व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? कंपनी पता है क्या होती है? व्हाट इज अ कंपनी? इट्स एन आर्टिफिशियल बॉडी हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, perpetual existence, common seal. It is the body which is incorporated under Companies Act 2013. Okay? Now let's see what is a government company. Government company is established under Companies Act 2013. अगर पुरानी बनी हुई है तो 1956 के अंडर, मतलब जो भी उस टाइम पे एक्ट एग्जिस्ट कर रहा था उसके अंडर ये एस्टेब्लिश हुई हुई है, रजिस्टर हुई हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई हुई है। गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। These are established for purely business purpose. है गवर्नमेंट सेक्टर के पास, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कैसे सेटअप किया? कोई मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट नहीं क्रिएट किया, कोई एक्ट नहीं पास किया, ठीक है? गवर्नमेंट ने कहा कि भी हमें लेट से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एंटर करना है, हमें कपड़ों की टेक्सटाइल में एंटर करना है, हमें टेलीकॉम में एंटर करना है, हमें आयरन एंड स्टील में एंटर करना है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिस तरह से कंपनी फॉर्म करते हैं उसी तरह से कंपनी फॉर्म कर ली। कैसे कंपनी फॉर्म होती है? सबसे पहले एक आइडिया सोचा जाता है, ठीक है, आइडिया सोच लिया, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाती है, फिजिबिलिटी देख ली, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, ये सब कुछ नाम अप्रूव कर लिया, ये सब हो गया आपका। उसके बाद इसको सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए, एमओए एओए बना लिया, रजिस्ट्रार के पास गए, उसको बोला इनकॉर्पोरेट करना है, इनकॉर्पोरेट हो गया, इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज आ गई। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए लेटर से दिस कंपनी इज टू बी एस्टेब्लिश्ड विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 100 करोड़, ठीक है, तो इसमें मिनिमम 51 करोड़ कौन डालेगा? गवर्नमेंट डालेगी। 51 करोड़ के शेयर्स कौन खरीदेगा?
गवर्नमेंट खरीदेगी, और 49 करोड़ के शेयर ये कंपनी पब्लिक को सब्सक्राइब कर देगी। आप में से कोई भी खरीद सकता है, यू कैन बिकम शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। व्हाई इट इज कॉल्ड ए गवर्नमेंट कंपनी? बिकॉज मेजॉरिटी शेयर में जो बेटे 50-50 इक्वल हो गए, 51 क्या हो गए, मेजॉरिटी हो गए। सो मेजॉरिटी शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इट कुड बी ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हो सकता है पूरे के पूरे 51 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, हो सकता है सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट का टोटल शेयर 51 करोड़ है। सो मिनिमम 51% ऑफ द शेयर्स दीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड रेस्ट 49 करोड़ इज बीइंग पेड अप बाय द जनरल पब्लिक। सच टाइप ऑफ कंपनीज आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज, एस्टेब्लिश्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्टर्ड गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एंड दीज आर एस्टेब्लिश्ड प्योरली फॉर बिजनेस पर्पस। क्या मतलब? इनका मोटिव सोशल वेलफेयर नहीं है, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है। दैट्स वाई इनको डिपार्टमेंट में नहीं रखा गया, दैट्स वाई इनके लिए कोई एक्ट पास नहीं किया गया। इनको कंपनी, क्योंकि बिजनेस करना है गवर्नमेंट ने, ठीक है गवर्नमेंट, हाँ फिर भी वो ध्यान में रखती है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे ना बेचे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनी के पीछे मोटिव रहता है, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी है ना, आप किसी भी पब्लिक सेक्टर से चीज लोगे ना, आप बोलोगे ये सस्ती होगी। कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है कि गवर्नमेंट हमें ओब्लाइज करती है। सो अगर प्रॉफिट मेकिंग काम है, मतलब कमर्शियल कोई भी गवर्नमेंट सेटअप करना चाहती है एंटरप्राइज, तो इसके लिए क्या करेगी, वो प्राइवेट सेक्टर की तरह गवर्नमेंट कंपनी खोल लेगी। लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम 51% पेड अप कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये जो शेयर्स हैं गवर्नमेंट के, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम के होंगे। किसके नाम के होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेस्ट 49% गवर्नमेंट कोई भी ले सकता है, मैंने कहा ना आप भी ले सकते हो, ये भी ले सकता है, वो भी ले सकता है, ठीक है, एनीवन, थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन दिस। हैव यू हर्ड ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी, मेरे पास इसके शेयर्स हैं। अभी तो शेयर्स आपको पता है फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे, नहीं तो मैं दिखा देती आपको। अभी क्या होते हैं, डीमैट फॉर्म में होते हैं, अकाउंट है मेरे नाम का, उसमें मेरे पास जितने शेयर्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो सेल के मेरे पास 70 शेयर्स हैं वो लिखे हुए हैं, विच मीन्स आई एम से 0.01% ऑफ सेल। ठीक है, सो सेल, गेल, MTNL, BSNL, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, राइट? सो इट्स अ कंपनी विच इज हुज 51% शेयर्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है बेटे, यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, और So, इसका मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने पेड अप कैपिटल के ऊपर ही रहेगा। गवर्नमेंट की 51% की हिस्सेदारी है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी कितना रहेगा? 51%। यानी जब भी डिसीजंस लिए जाएंगे तो गवर्नमेंट की वोटिंग इतने परसेंट की होगी, रेस्ट
प्राइवेट की होगी. सो गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस 51% ऑफ दी, मतलब जितने भी प्रॉफिट्स होंगे तो गवर्नमेंट को, अगर 100 करोड़ प्रॉफिट हुए तो गवर्नमेंट को कितना जाएगा, 51 करोड़ जाएगा. ठीक है, इस तरह से मतलब जितने भी प्रॉफिट्स हुए इसके 51% विल बी क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट्स अकाउंट. रेस्ट जिसके पास, मेरे पास अगर 10% शेयर है सेल के, ठीक है, तो मेरे को 10% का डिविडेंड आ जाएगा, प्रॉफिट का हिस्सा आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ बिकॉज दी, ये भी लिखा हुआ, शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेस्ड इन द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया. देन सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर एंड एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंपनी, दे आर नोन एज गवर्नमेंट कंपनीज. इनको गवर्नमेंट कंपनी क्यों कहा गया बेटे, देखो दो वर्ड है, कंपनी, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई है तो ये कंपनी ही रहेगी. इसको गवर्नमेंट कंपनी क्यों कहा गया, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास. ठीक है, तो इसीलिए इसको गवर्नमेंट कंपनी का नाम दिया जाता है. ठीक है बच्चे, लेट्स डिस्कस इट्स फीचर्स. बेटे गवर्नमेंट कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. सी ऑल द फीचर्स ऑफ द कंपनी आर द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. कैन एनीवन टेल मी फीचर ऑफ कंपनी, आप बताओ. परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, द कंपनी गोज ऑन. कल को मैं नहीं रहती हूँ, सेल के मेरे पास 10% चाहे 20% चाहे 30% शेयर हो, सेल बंद नहीं हो जाएगी. एनी अदर फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटीज, दीज एंटरप्राइजेज आर सेपरेट लीगल एंटिटीज अपार्ट फ्रॉम देयर मेंबर्स. दे कैन ओन प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, दे कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन सू अदर्स, दे कैन बी सूड बाय अदर्स. और आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हैं, हाउ इट इज कंसिडर्ड एज पर्सन, इट इज द क्रिएशन ऑफ लॉ. ओके फाइन, सो लेट्स स्टॉप इट हियर.